Hey guys, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है Realme का Narzo 50i। अगर इस फोन की अगर नेविगेशन को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आप देखेंगे आपको जो बैक बटन है जो आपको लेफ्ट साइड में शो होता है इसको आप राइट साइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे नेविगेशन इस फोन के अंदर सेट करना है तो वो कैसे कर पाएंगे, सब कुछ आपको जानना है तो चलिए वो देखते रहिए। आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग है उसको ओपन करना है और यहाँ पर फिर आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सिस्टम, सिस्टम पर क्लिक कीजिए आपको देखने को मिल जाता है फिर यहाँ पर नेविगेशन बार, सिंपल आपको यहां क्लिक करना है। अगर आपने बटन को राइट साइड में क्लिक करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करा के आप राइट साइड कर सकते हैं, देख सकते हैं राइट साइड में ये आ चुका है। अगर यही बटन आपको हाइड कराना है, आप जैसा नेविगेशन को सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स यहां से आप थोड़ा सा बैक आ जाइए। अब आपको देखने को मिलेगा यहां पे एक्सेस सेलेब्रिटी, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अब आपको देखने को मिल जाता है जैसर नेविगेशन, सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जैसर नेविगेशन इस फोन के अंदर सेट हो जाते हैं, देख सकते हैं बटन यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस फोन में अपने जैसर नेविगेशन को लगा सकते हैं। इसका यूज करने के लिए सिंपल यहाँ से इस तरीके से क्लिक करा के आप बैक कर सकते हैं। दोनों साइड से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बैक होना शुरू हो जाता है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको जो बीच वाला बटन होता है इस तरीके से ये काम करना शुरू कर देता है। आई होप दोस्तों आपको ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।